अभी तेलंगाना सरकार यानी मुख्यमंत्री जी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस नोटिफिकेशन में यह लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति यानी जो भी मुसलमान कोरोना के कारण मरेगा उसको रंगारेड्डी में संगारेड्डी में एक स्पेशली एक नया कब्रस्तान बनाया जाएगा और उस कब्रस्तान में उसको दफनाया जाएगा। इतने फीट खोदा जाएगा, पहले उसको सैनिटाइज किया जाएगा, फिर उस व्यक्ति को गाड़ने के बाद में फिर दो बार वो कब्रस्तान को सैनिटाइज किया जाएगा। आखिर ये क्या हो रहा है मुख्यमंत्री जी? आप महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है जो कोरोना के कारण जो व्यक्ति मर रहा है, हिंदू हो या मुसलमान सिख हो या ईसाई, जो भी व्यक्ति महाराष्ट्र में मर रहा है उसको क्या किया जा रहा है? एक बार मुख्यमंत्री जी आप उस सरकार से सीखे थोड़ा। अभी जो समय है, मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा, अभी जो समय है वो राजनीति करने का समय नहीं है। अभी जो समय है तेलंगाना के हर वो धर्म के व्यक्ति को बचाने का समय है। आज तेलंगाना में जो दिल्ली की जो गंदगी थी, जो कोरोना वायरस से जो वहां पे लोग जो शिकार हुए थे, जो पता नहीं वो कहां गए थे, मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं दूसरे सब्जेक्ट पे बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आज उन्हीं के कारण पूरा भारत देश संकट में फंस चुका है। कोरोना वायरस की संख्या दिन बे दिन बढ़ते जा रही है, तेलंगाना में दिन पे दिन संख्या बढ़ते जा रही है इन जमातियों के कारण। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप राजनीति करना छोड़ दें और जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस के कारण मरता है उसको राख कर दिया जाए, उसको जला दिया जाए, क्योंकि उस व्यक्ति जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस होता है उसके साथ खत्म हो जाए वायरस। आप दफनाने की बात करते हैं, आप नए कब्रिस्तान की बात करना चाहते, क्या मुख्यमंत्री जी क्या आप तेलंगाना की जनता को बताएंगे? और जहां पर आप नया कब्रिस्तान बना रहे हो उस रंगारेड्डी क्षेत्र या संगारेड्डी क्षेत्र, क्या वहां की जनता की सुरक्षा के बारे में आपको चिंता नहीं है? क्या ये वायरस आपको दिखता है कि वो हवा में उड़ के चले जाए और उसको पकड़ ले, उसको समाप्त कर दे? जिस धरती पे कोरोना वायरस के जो व्यक्ति मारा जाता है, जिस धरती में उसको गाड़ा जाता है, उसके बाद में रिफ्लेक्स और क्या क्या वायरस पैदा हो सकते हैं, क्या इसका आपको ज्ञान है मुख्यमंत्री जी? मैं मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं, जो आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया है तुरंत इसको वापस ले और फिर से एक बार विचार करें, क्योंकि तेलंगाना की जनता की सुरक्षा के लिए आप अच्छे से निर्णय ले, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। वो किसी भी धर्म का क्यों ना व्यक्ति हो, जो व्यक्ति कोरोना से मरता है उस व्यक्ति के साथ ही वो वायरस खत्म हो, ऐसा कुछ प्लान कीजिए। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, खास करके जो महाराष्ट्र सरकार जो कर रही है उस प्रकार से अगर तेलंगाना में होता है तो बहुत अच्छा रहेगा।